नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज सुबह नागपुर चिटनीस पार्क के पास स्थित भालदारपुरा में मंदिर ढहने से 6 लोग मामूली रूप से आहत, जख्मियों में 4 माह की बच्ची का समावेश। आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर ब्लॉसम नामक एक परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर नितिन गडकरी ने बताई पुराने दिनों की बात, कहा समाज हित के लिए मैंने मंत्री रहते कानून भी तोड़ा है। वर्धा नदी में बाढ़ से चौथी बार कटा धनोरा गांव का संपर्क, कई किसानों के खेतों में पानी। अब खबरें विस्तार से। आज सुबह तड़के 5 बजे नागपुर चिटनीस पार्क के पास स्थित भालदारपुरा में एक पुराने मंदिर के ढह जाने से पड़ोस के 3 कच्चे घरों में सो रहे 6 लोग जख्मी हो गए। परिस्थिति को भांपते हुए अड़ोस पड़ोस के लोग मदद के लिए आ गए। कुछ जगह दीवार तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें 4 महीने की एक बच्ची का भी समावेश है। सभी को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को जानकारी दी है कि उनका कोविड-19 के टेस्ट परीक्षण पॉजिटिव आए हैं और वो घर पर अलग थलग रहेंगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, आज कोविड परीक्षण पॉजिटिव आया, घर पर अलग थलग और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये दूसरी बार है जब वायरस ने उन्हें जकड़ा है। इससे पहले जून में उन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ा था। उन्होंने कहा है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को घर पर अलग थलग रखा है। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए थे कि वो भी टेस्ट करवा ले। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नागपुर शाखा से बहुविषयक बहुमॉडल परिणामों के तहत आदिवासियों के स्वास्थ्य पर ब्लॉसम नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम नागपुर के आयका होटल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 1995 में आदिवासी गांव में काम करने में काफी दिक्कतें आई, लेकिन विकास के सारे काम मैंने अपने तरीके से किए। मैंने अधिकारियों से कहा कि हम जो कहते हैं वो कानून है, क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं और हमें कानून तोड़ने का पूरा अधिकार है। हम मंत्री हैं, इसलिए हमें कानून तोड़ने का अधिकार है। मैं अधिकारियों से कहता हूँ कि जितना हो सके काम करो। अगर तुम मुझे काम करने के लिए कहोगे तो सरकार काम नहीं करेगी। विशेषतः मला आनंद आहे की मी महाराष्ट्रात 1995 साली मंत्री होतो आणि त्यावेळी मी राणे रस्ते पूल मुंबईत बांधले, पण ज्यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यात आणि मेळघाट जिथे 2000 मुलं आदिवासी मुलं कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली, त्या 450 गावांना रस्ते नव्हते। त्यावेळी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, खूप प्रयत्न केला, कमिशनर साहेब होते अमरावतीला, त्यांनी सांगितलं, पण फॉरेस्टवाले काही रस्तेच बांधू देत नव्हते आणि त्यामुळे इतका त्रास झाला की अनेक लोक बिचारे त्या ठिकाणी मागासलेली होती। पण मी नंतर माझ्या मार्गाने प्रश्न सोडवला आणि मला माहीत आहे की गरिबाचं कल्याण करण्याकरता कुठलाही कायदा अडवत नाही, असा कायदा एकदा नाही 10-10 तोडावा लागला तर महात्मा गांधी सांगितलं तो तोडला पाहिजे आणि तो तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, कारण आम्ही मंत्री आहोत। मी नेहमी अधिकाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही म्हणाल तसं सरकार नाही चालणार, तुम्ही फक्त एस सर म्हणायचं आणि आम्ही म्हटलं त्याचा अंमलबजावणी कधी लक्षात ठेवा, आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल। आणि त्यामुळे मी सगळे कायदे तोडून 450 गावं जोडली। कधी तुम्ही आता मेळघाटला जा, खऱ्या अर्थाने त्यांना स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यांचा सामाजिक आर्थिक विकास झाला। शहर के सदर स्थित नागपुर सुधार प्रन्यास के मुख्यालय परिसर में मंगलवार 9 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वराज्य महोत्सव मनाया गया। उस अवसर पर राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नागपुर सुधार प्रन्यास नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अपर आयुक्त अविनाश काटड़े, नगर नियोजन विभाग नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के सह निदेशक RD लांडे, नागपुर सुधार प्रन्यास के अधीक्षण अभियंता प्रशांत भंडारकर, नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता लीना उपाध्याय, कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता पटोड़े, कार्यपालन अभियंता संजय चिमुरकर, कार्यपालन अभियंता अनिल राठौर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वराज्य महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत नागपुर सुधार प्रन्यास नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। चंद्रपुर तालुका में घुगस के पास धनोरागढ़ चांदूर मार्ग पर वर्धा नदी का पुल पानी के अतिप्रवाह के कारण बंद हो गया, इससे इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सड़क बंद होने से भारी वाहनों की कतार लग गई है। इसी बीच चौथी बार धनोरा गांव काटे जाने से कई लोगों के खेतों में पानी भर गया है। जिले में 8 दिन के विश्राम के बाद पुनः शनिवार से कम मात्रा में बारिश हुई तो कहीं कहीं तेज बारिश हुई। नदियों और नालों में पानी भर गया है। जुलाई माह में 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इससे हर तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और खेती और घरों को काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच धनोरा गांव के नागरिकों का चौथी बार कनेक्शन टूट गया है। विदर्भ राज्य आंदोलन पार्टी ने 9 अगस्त क्रांति दिवस को चिन्हित करने के लिए लॉन्ग मार्च और धरने का आयोजन किया और एक अलग विदर्भ राज्य की मांग की। 2023 तक विदर्भ राज्य को अलग कर देना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, नहीं तो विदर्भ राज्य सत्ता से दूर हो जाएगा। विदर्भ राज्य के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। विदर्भ का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। मौदा में केसलापुर से लेकर रबड़ीवाला तक सड़क पर गड्ढे हो गए हैं और मौदा के नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन गड्ढों के कारण हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए युवा सेना के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं और राजमाता ढोल पथक के युवाओं ने सड़क पर बने गड्ढों को श्रमदान से भर दिया। हालांकि सरकार ने सड़क पर बने गड्ढों की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन यहाँ के नागरिकों के मन में सवाल है कि क्या प्रशासन किसी की जान जाने तक कोई कदम उठाएगा या नहीं। सियासी सत्ता में बड़े बड़े नेता आते हैं तो रातों रात सड़क बना देते हैं, लेकिन प्रशासन उस सड़क पर ध्यान ही नहीं देता। क्या नेताओं के आने जाने के बाद प्रशासन सोता है? ऐसा सवाल यहाँ के लोगों का है। यदि प्रशासन 5 दिनों के भीतर मूल के सड़क के सभी गड्ढों को ठीक नहीं करता है तो युवा सेना उन गड्ढों में पेड़ लगाने और उन्हें पुनर्जीवित करने की गतिविधि को लागू करेगा। इस मौके पर युवा सेना के नगर प्रमुख जीतू सियाथा ने, जीतू गोड़ बोले, अनिकेत जोड़, धीरज रखड़े, स्वप्निल मदनकर, क्षितिज साशंकर, प्रणय मनवतकर, वेदांत विक्की पाटिल, आदित्य मेशराम, सत्यम सोनी, अमर घोड़मारे, रोहित घोरखड़े, सूरज बोरकर और कार्यकर्ता मौजूद थे।
तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।